हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में एक चैलेंज, जिस चैलेंज का नाम है हम कलर चेंज एवरी सेकंड चैलेंज, जिसमें हम लोग कलर चेंज होगा मतलब हर सेकंड एक ऐसा कलर चेंज होगा जिसके अगर हम लोग ऊपर खड़े रहे फिर ब्लॉक जिसके ऊपर हम लोग खड़े रहे तो हम लोग तुरंत ही मर जाएंगे और हम लोग चैलेंज हार जाएंगे, पर मरेंगे नहीं मतलब हम लोग तुरंत ही चैलेंज हार जाएंगे। तो ये चैलेंज बहुत ख़तरनाक होने वाला है। मेरी नई स्किन भी देख लो, मेरी नई स्किन है टेक्नो ब्लेड की, क्योंकि वो आप जानते ही हैं वो दुनिया में नहीं रहे, मतलब फिर कोई लोग बोल देंगे व्यू छाप रह करके, फिर मेरे को बोलेंगे किसी मौत पे व्यू छापते करके, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ इसके बारे में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जल्दी से इस वर्ल्ड का नाम रखते हैं, और इस वर्ल्ड में आगे कुछ ऐसे भी होने वाले हैं जिसका आपका अंदाज़ा भी नहीं है। और ये जो पूरा चैलेंज हैंडल करेगा ये है मेरा नया दोस्त मिस्टर पीको, जो हमें सारा कलर चेंज करेगा अपने आप। तो हमें हर कलर से बच के रहना, मतलब ये अपने हिसाब से कभी भी कलर चेंज कर सकता है, पर कुछ रूल भी हैं जैसे पहले इसको चॉप कर लेने की, वो पहले बात कुछ थोड़ा थोड़ा सेकंड में उसको चेंज करना ही पड़ेगा, और ज़्यादा सेकंड तक वो एक कलर को चेंज मतलब एक ही जैसे रख नहीं सकता। तो पहला कलर है हमारा स्टोन, तो मतलब हम लोग स्टोन के ऊपर नहीं जा सकते, हम लोग स्टोन जो होता है ग्रे कलर का तो हम लोग उसके ऊपर नहीं जा सकते। ये सारा इसी लैग में पड़ता है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ अभी स्टोन का टूल्स नहीं, हम लोग सिर्फ अभी वुडन टूल्स ही बना सकते हैं, क्योंकि हमारे को सिर्फ स्टोन नहीं छूना है मतलब, तो हम लोग सिर्फ यही वुड के टूल्स ही बना सकते हैं। यार बहुत बेकार चीज़ हो गई है ये, हमें जल्दी से जल्दी अपग्रेड करके एंडर ड्रैगन टक को भी मारना है, और आगे ये चैलेंज कुछ ज़्यादा ही हार्ड होने वाले हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। तो फिर हम लोग इधर चलते हैं, और ये देख रहे हो साले मिस्टर पीको को इतने शुरू में चीटिंग करना चालू कर दिया, ये वाटर कर दिया इसने, जैसे मैं वाटर में जाने वाले थे बोले तैरिए मार के चलते सोच रहा, तभी इसने ये कर दिया यार, अब क्या करें। पर अब हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं, अब हम लोग स्टोन के टूल्स पर अपग्रेड कर सकते हैं। एक काम सही होते तो एक काम गलत हो जाते हैं, मतलब ये थोड़ा बेवकूफ़ जैसे मतलब, पर ये हम लोग दो एक टाइम में दो कलर कभी नहीं कर सकते चेंज, वरना ये तो चीटिंग हो जाएगी सरासर। फिर कोई बोलेगा ग्रास ब्लॉक एंड्रॉइड ब्लॉक, तो फिर कहाँ ही खड़े हो गए आप कर, फिर वैसे ही हो जाता है ना। तो फिर ऐसे ऐसे जल्दी से ब्लॉक लगा लेते हैं, और ये देखो आ गए, अब इसको खोल लेते हैं यहाँ से, ऐसे कर लेते हैं। तो अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से, और चलो चलते हैं जल्दी। तो यहाँ हम लोग पानी में तो नहीं जा सकते, तो हम लोगों को अब स्टोन के टूल्स पे अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टोन भी आ चुका है 11 स्टोन। तो हम लोग जल्दी जल्दी अपग्रेड मार लेते हैं। अपग्रेड मार लिया हमने, कोई बात नहीं, अपग्रेड मार लिया जल्दी से। अब चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं। देखो यहाँ एक बीच भी आ चुका है, और यहाँ हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जैसे हमें आयरन चाहिए। अब वाटर इसने किया है तो अब क्या करें यार। तो जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से जल्दी से डर्ट खोज लेते हैं, ताकि फिर हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। जल्दी जल्दी से डर्ट खोजते हैं, तो हम लोग डट खोलना चालू कर दिए हैं, जल्दी से खोद लेते हैं, जल्दी 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 से खोद लेते हैं। ये देखो अब ये क्या, इसने तो ग्रास ब्लॉक पर बदल दिया, ये कितना चीटर है, मतलब चीटिंग भी नहीं बोल सकते, इसका काम ही वही है। तो अब हम लोगों को डट लगा के जाना पड़ेगा, पर हम लोग पानी में तो जा सकते हैं, अब इसने ग्रास ब्लॉक कर दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग पानी में जा सकते हैं। ये बात तो ये भूल ही गया था, कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं जल्दी से। हम लोग यहाँ ऊपर चढ़ गए हैं, ऐसे हम लोग ज़्यादा ब्लॉक खर्च ना करके ऐसे ऐसे लगाते चलते हैं जल्दी जल्दी। वैसे मैं वो वाली स्टाइल भी कर सकता हूँ जिसमें हम लोगों को एक एक ब्लॉक लगाते हुए कूदते जाना है, और हम लोग पीछे का ब्लॉक तोड़ते जाएंगे ताकि ये ग्रास ब्लॉक ना बने। वैसे ये कहीं भी ग्रास ब्लॉक बन जाएगा, ये काम जल्दी से कर देते हैं हम लोग। देखो मेरे यहाँ आते ही ये ग्रास ब्लॉक बन गया, मतलब अगर मैं अभी रहता वहाँ तो मेरा तो काम ख़त्म था,
तो जल्दी से हम लोग यहाँ कर लेते हैं काम अपना। अब कंटिन्यू करते हैं, अब हम लोग इधर से जाना पड़ेगा धीरे धीरे, वरना हमारी कभी भी मौत हो सकती है। हम लोग यहाँ फिर से डेट लगा के जाएंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वुड नहीं है, और ज़्यादा वुड नहीं है तो हम लोग ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, हम लोग इस वुड को चॉप कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग वुड चॉप करते जाएंगे और लगाते जाएंगे, क्योंकि एक लॉक से ना बहुत सारा वुड बन जाता है। तो ये फीचर माइनक्राफ्ट वालों ने अच्छा किया है, जैसे कि मेरे हिसाब से अच्छा किया है। ये बहुत बहुत अच्छा फीचर है, मतलब एक से बहुत सारे मिल रहे हैं। रुको, अभी लोड ले रहा है। क्या लोड ले रहा है? ऑब्सीडियन हो गया। ऑब्सीडियन तो यहाँ है ही नहीं, तो हम लोग फुल्ला चल सकते हैं। मिस्टर पिको अभी कुछ भी कर सकता है, तो उसके हाथों में ऑब्सीडियन, उसने जानबूझ के किया। तो थोड़ा हीलो डूलो फिर हमें अचानक से फंसाना दे। तो हम लोग इधर आए और मेरे को ये क्या मिला? ये मेरे को रवीन मिला, रवीन नहीं बोल सकते, केव बोल सकते। यहाँ नीचे में है आयरन, जो हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग बनाना है वाटर बकेट। हम ड्रीम वाले तरीके से जाएंगे वैसे नेदर में, हम लोग बकेट लेंगे। तो यहाँ मिल गया, और जल्दी से यहाँ से आयरन माइन कर। तो कितना सारा आयरन है भाई, मतलब ज़्यादा आयरन नहीं होता, अरे बहुत सारा आयरन है। तो इधर से हम लोग जल्दी जल्दी खोद लेते हैं, नीचे में कोई गड्ढा भी नहीं है। और ये क्या, हमारा एक आयरन नीचे गिर गया। ये तो बहुत गलत हो गया यार, हमें पास में जाके करना था जल्दी से आयरन को पिक। और चलो ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब ये देखो पिक है, मारो इसको। पर मैं क्या करूँ, यहाँ तो रात होने लगी है यार, तो मेरे को सीप ढूँढना पड़ेगा। और क्या कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ, मेरे को सीप ही ढूँढना पड़ेगा, और थोड़ा खाना भी कलेक्ट करना पड़ेगा। ना सीप तो मिल ही नहीं रहा यार, सीप तो मिल ही नहीं रहा, लगभग रात हो गई यार। अब करूँ तो करूँ का, कोई बात नहीं, हम लोग लड़ेंगे पूरी रात। तो मेरा तो यही प्लान था कि हम लोग पूरी रात लड़ेंगे, पर मैं जगह खोजने लगा, और फिर मेरे को थोड़ी देर बस समझ आए मैं नेदरराइट के आर्मर भी मैं भी उन्हें नहीं हरा पाऊँगा, तो मैंने ये किया। अब एक ही तरीका है, हम लोग कवर हो जाते हैं, कवर होने के बाद हम लोग कुछ नहीं, कवर हो जाएंगे और पूरी रात बिताएंगे। हमारी पुराने तरीके से, मतलब हम लोग कवर हो जाते थे वही वाला। तो मैं आपको पूरी रात को बिताने के बाद ही मिलूँगा, क्योंकि भाई अब पूरी रात तो आप रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता। तो ये मैंने पूरी रात या गड्ढा ही खोद दिया, मतलब मेरे को कुछ काम नहीं था तो गड्ढा उड्ढा खोद दिया मैंने, जैसे हम लोग पहले भी करते थे ऐसे बहुत ज़्यादा। और जल्दी से बाहर निकलता हूँ, मैंने या क्रीपर ऊपर होगा फट ही जाएगा मेरे बगल में। और यहाँ तो कोई नहीं है, वो रही साली सीप दिख गई, साली सीप तू तो बचेगी नहीं, रात भर कहाँ थी तू, रात भर तो नहीं थी भाई तू, कैसे नहीं थी। और मैंने ब्लॉक चेंज को ऑफ किया था, तेरे से कौन मरता है, तू तो बच्चा हो गया क्रीपर, अब तेरे से कोई नहीं मरता। क्रीपर सबको पता है तेरे को डिफ्यूज़ कैसे करे, पानी में ले जाके कोई नहीं मरता भग। देखो पहले क्रीपर हमें मार ही डालता था, तो हाफ हार्ट खा रहा ची, क्या क्रीपर की इज्जत क्यों चली गई। और अच्छे मॉब लाओ माइनक्राफ्ट वालों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ अभी तलाश कर रहा था एक और केव की, ताकि मेरे को और आयरन मिल पाए। तो यहाँ मैं बीच में आ गया, तो बीच में यहाँ पर अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ वो बना सकता हूँ फर्नेस, और इस पूरे को स्मेल्ट कर सकता हूँ। और स्मेल्ट करने के बाद मेरा आयरन पक जाएगा, तो इससे मैं बाल्टी बनाऊँगा। तीन आयरन है मेरे पास, एक आयरन तो नीचे गिर गया, ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ। तो मैं नीचे जा भी सकता था, मैं जानबूझ के नहीं गया, नहीं पता क्यों मैं इतना डरपोक क्यों हूँ। माइनक्राफ्ट में क्या डरना भाई, मरूँगा तो मरूँगा, पर मेरी पूरी प्रोग्रेस चली जाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं पूरी जगह को खोज लेता हूँ। अबे ड्राउंड, जल्दी मर जा, डाए यू गोना डाए। ये तो मर चुका है ड्राउंड। अब हम लोग अपना वो ले जाते हैं, अपना ले के आते हैं जो है हमारा। ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा आयरन जो स्मेल्ट हो रहा है। रुको थोड़ा स्मेल्ट होने देते हैं। तो अब हमारा स्मेल्ट हो गया होगा, तो जल्दी से हम लोग यहाँ से आयरन लेते हैं और अपना फ्यूल भी करवा लेते हैं, मतलब इधर डाल लेते हैं। तो अब हम लोग ये क्राफ्टिंग टेबल लेते हैं और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और हम लोग लेते हैं, हम लोग आयरन ले लिए हैं, तो अब हम लोग बकेट बना सकते हैं।
तो जल्दी से बकेट बना देता हूँ मैं। और बकेट बनाने के बाद, अरे क्या ये मिस्टर पी को कितना बदमाश, इसने मेरे को सैंड दे दिया यार। सैंड अप सैंड, मतलब ये नीचे मैं नहीं जा सकता, पर इसको क्या पता बीच का एरिया तो इतना ही है, तो मैं तो यहाँ से तुरंत ही बच के निकल जाऊँगा। मिस्टर पी को तू मेरे को नहीं हरा सकता, मैं ऊपर चढ़ गया था अच्छे टाइम में, मैंने ये मेरे को बताता है वैसे डिस्कॉर्ड में बैठा है ये। और अरे यार इसको नहीं बोलेंगे सैंड टच, ये नहीं होता सैंड टच, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे मैं तो हार ही जाऊँगा, मैं तो हार ही जाऊँगा, ऐसा थोड़ी वो ऐसे पकड़ने में थोड़ी ना होता है, उसको टच करेंगे तब होगा। तो ये मिस्टर पी को कभी भी चेंज कर सकते थे, बच के रहना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी देर में करना है उसको वैसे भी। तो हम लोग इधर आ गए हैं, अरे ये कितना बदमाश इंसान है यार, इसने तो मेरे ग्रास ब्लॉक कर दिया, मैं उसको लेने कैसे जाऊँ, ग्रास ब्लॉक कर ऐसे ऐसे करता हूँ जल्दी से, मेरे को तो दे दे यार। अरे यार मैं ले ही नहीं पाता, यहाँ आ जाता हूँ, आयरन ब्लॉक हो गया, मतलब अब मैं नीचे जा सकता हूँ। हाँ चलो चलता हूँ जल्दी से, आयरन ब्लॉक में है तो अब मैं जा सकता हूँ। आयरन ब्लॉक मतलब ये रैंडम कर रहा है अभी, थोड़ा मतलब घूमने दे रहा, फिर अचानक से करेगा ताकि मैं वो हो जाऊँ। और ये मैं नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे को पता है, ये जब भी बदलने वाला रहता है मेरे को बता देता है। वैसे मैं आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, ये देखो अभी मिल रहे हैं सारे सी, पूरी झुंड मिल गई है, वैसे में नहीं मिल रही थी। चलो अब इस काली सीप को मारा जाए, अरे काली सीप इधर, अरे नहीं यहाँ तो गोरी है, काली को क्यों मारूँ, मतलब गोरी से गोरा गोरा वूल मिलेगा और गोरा वूल से हम लोग गोरा बेड बना पाएंगे। क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद करके खेलता हूँ। और चलो इधर चलते हैं, मुंह बंद करूँगा तो आपको इंटरटेन कैसे करूँगा, जल्दी इधर चलते हैं। भाई तू बदल ले, अब क्या हो गया, अब नहीं बदल रहा है भाई साहब ये हमारा मिस्टर पी को, मिस्टर पी को नाम रखा है, ये मेरा एक ऑनलाइन फ्रेंड है जैसे कि आपको बता दूं। और ये क्या, यहाँ हम लोग जा सकते हैं पता है, यहाँ जल्दी से चलते हैं अंदर, हमें वो आयरन मिल जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको क्लच गॉड की शक्तियाँ, देखो मैं कितना मस्त क्लच करता हूँ, ऐसे ऐसे क्लच नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने तो ये सोच के किया ना, बिना सोचे कुछ भी करके बच जाना को बोलते हैं क्लच। वैसे नहीं बोलना चाहिए वन, कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे जो बहुत टाइम से क्लच कर रहे हैं, क्या बोला यार तूने। देखो अब मेरे को पानी मिल गया है, अरे TNT क्यों कर रहा है, TNT जैसे मैं TNT के ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, TNT तो मैं बनाऊँगा भी नहीं कभी ज़िंदगी में, TNT क्यों कर रहा है भाई तू। मिस्टर पी को सटिया गया, मतलब मैं उसको हरा दिया इसलिए वो सटिया गया, पागल हो गया है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं जल्दी से और ये माइन कर लेते हैं जल्दी जल्दी आयरन को। आयरन माइन करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत कम मिलता है पता है। और मेरे घर के बाहर पानी गिर रहा है, पर मैं बाहर में रिकॉर्डिंग करता हूँ। वैसे आप एक चीज़ बताना, मैं एक नया चैनल खोलने वाला हूँ जल्दी, जिसमें मैं फ्री फायर की वीडियो डालूँगा। और वो आयरन गिरा कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैं बता रहा था मैं फ्री फायर की वीडियो डालने वाला हूँ उस चैनल में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल बनेगा तो आपको सबसे पहले बताऊँगा मैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ब्लॉक लगा के ऊपर जाता हूँ और जल्दी से ऊपर चलता हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ अब मैं आ चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ जल्दी से इधर चल लेता हूँ। मिस्टर पी को अब क्या हो गया, हार मान ली तूने, बस अब मेरे को लावा पोली ढूंढना बस। ये क्या, इसने चीटिंग की, इतने लीव्स करवा दी ताकि मैं यहाँ लीव्स में खड़ा था तो मर जाऊँ। ये बोला वैसे चेंज कर रहा हूँ तो, पर मैं उतना ध्यान नहीं दिया, इन्होंने तो सही में चेंज कर दिया यार, मेरे को तो फंसा दिया, ये तो बहुत गलत किया। मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, इससे अगली वीडियो में इसको बदला लूँगा, साले ने मेरे को धोखे से चैलेंज हरवा दिया।